हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं हमारे डिनर टाइम से, जो कि था 30 जून को। देख लो भाई, गर्मा गर्म पूड़िया, शेफ प्रीति मेरे तरह तरह की सब्जियां बनाई है, दिखाते हैं भैया। ये है पनीर, क्योंकि देखिए इतने अच्छे लग रहा है। ये दम आलू है, हमारे साइड का दम आलू, वो खुली वाला पाइप वाला डोका खुलाओ। वाओ, और ये इसमें खीर है, फिर थोड़ा सा ये खीर। वाह क्या भाई, बहुत देख के ही मुंह में पानी आ रहा है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। खा के पता चलेगा ना दीदी? हाँ, तो खा के बताइए ना। दिखता हूँ वो वैसा? नहीं नहीं नहीं, कुछ कुछ तो पता चल जाता है खाने का स्वाद, और अरे वो खुशबू से वो स्वाद का अंदाजा लग जाता है, और कलर से भी बहुत अच्छा लग रहा है भाई। देखो इतनी गर्मी में कचौड़ी पूड़ी बनाई जा रही है। जीजा जी के लिए बना रही होगी? नहीं नहीं, दीदी के लिए भी बनाई हो। चलो भाई, दोनों के लिए। तब ठीक है, क्योंकि दोनों फर्स्ट टाइम आए हैं। ठीक है, हम पूरा जीजा जी के लिए बना रही हो भाई। जीजा जी हम सिर्फ जीजा के वो नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है, फिर खाते हुए अपने बताइए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल खाते हुए। समोसा तो यहाँ का बहुत पसंद आया। अभी वो तो समोसा लाया थी दीदी। अच्छा। और अच्छी सी दुकान है ये, तो यही पास से मंगा लिया। अच्छा। था हाँ हाँ हाँ, ये तो और अच्छे से समोसे के शॉप है यहाँ। सही है भाई, अब मेरे पति देव खुश रहेंगे, यहाँ खाने की चीजें मिलेंगी। मनकापुर में नहीं मिलता था ना, वैरायटी बहुत कम है चीजों की। कैसे बना है खाना? बढ़िया बना है ना, देखो तरह तरह की वैरायटी है। खा लो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब मैं चाय पी रही हूँ प्रीति घर में, और बंद कर दो होल्ला। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं चाय पी रही हूँ यहाँ पे, प्रीति गई है नहाने, और ये नहा चुके हैं हस्बैंड। अब चलेंगे अपने मिशन पे रूम ढूंढने के लिए। आज ये रूम ढूंढेंगे, कल ज्वाइन करेंगे, और कल हम लोग भी देखने जाएंगे अगर कोई रूम पसंद आ गया तो। और हम लोग प्रीति के यहाँ ही रहेंगे। भाई साहब चले गए हैं स्कूल, उनकी ज्वाइनिंग थी आज 1 जुलाई है, स्कूल ओपन हो गए थे, बच्चे भी स्कूल चले गए। मेरी दोनों बेटियां सो रही हैं और मैं पी रही हूँ चाय, तो जब आप सबसे थोड़ी बातें कर लेती हूँ। तो बहुत अच्छी रात भी थी, बहुत अच्छे सोए हम लोग रात को, खूब गप्पे की। और सुबह उठ के प्रीति तो 5 बजे उठ गई थी, और मैं 6 बजे उठी, और खूब बारिश हो रही। मैं दिखाती हूँ यहाँ पर, ये देखिए खूब अच्छा मौसम हो गया है, बारिश हो रही है। दी बोल रहे थे कि मेरे आने में बारिश हुई, अभी तक इलाहाबाद में बारिश नहीं हुई थी, तो मैं बारिश लेके आई हूँ इलाहाबाद में। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब वेदर भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। बारिश आ गई तो गर्मी नहीं है, और खूब अच्छी सी नींद भी आ गई। तो अब निकलेंगे, अब जैसा भी अपडेट होगा आपको दिखाएंगे क्या होता है। आई विश कि मिल जाए, अच्छा फ्लैट मिल जाए, या गवर्नमेंट भी देखेंगे क्वार्टर अवेलेबल है कि नहीं है, क्या साइज़। अगर छोटा हुआ गवर्नमेंट क्वार्टर, तो सुना है कि बाहर बहुत अच्छे अच्छे क्वार्टर्स हैं यहाँ पे। मनकापुर की तरह नहीं है कि बाहर ले नहीं सकते। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी ना, कि जो शहर से हम लोग 8 किलोमीटर दूर थे, और बाहर क्वार्टर्स भी अवेलेबल नहीं थे, वहाँ पे सेफ नहीं था। और आईटीआई बहुत सेफ था, तो हम लोगों ने वहीं पर ले लिया था। तो अभी जा रहे हैं, देखते हैं क्या अवेलेबलिटी है, गवर्नमेंट क्वार्टर है, कितना बड़ा है, या अगल बगल लेना है। तो जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट दूँगी। और अभी तो मैं प्रीति के यहाँ रुकूँगी, मैं और मेरे बच्चे, और ये जाएंगे। तो जो भी मस्ती होगी, जो भी कुछ होगा ब्लॉग में, मैं दिखाती रहूँगी आपको। आप बने रहिएगा और इन्जॉय करिएगा। मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपकी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल पे। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो बहुत बहुत स्वागत है। आए हैं, नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब को, और फेसबुक पर फॉलो कर लीजिएगा। और आप देख रहे होंगे ये आज कुछ अलग घर आपको दिख रहा होगा। तो मैं अभी मनकापुर में नहीं हूँ, मैं हूँ यहाँ पे इलाहाबाद में, प्रयागराज में, अपनी फ्रेंड प्रीति के घर में, जो कि एक इन्फ्लुएंसर ही हैं। और उनके घर में मैंने स्टे किया है, क्योंकि उन्होंने मुझे होटल में रुकने नहीं दिया। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली आए हुए हैं क्वार्टर ढूंढने के लिए, और क्वार्टर ढूंढेंगे, जैसे ही मिल जाता है फिर वापस मनकापुर जाएंगे, पैकिंग करेंगे, फिर से हम लोग फाइनली प्रयागराज आ जाएंगे। तो जो भी अपडेट्स होंगे मैं देती रहूँगी। तो ब्लॉग शुरू करते हैं। तो मैं नहा आ चुकी हूँ, आज मैंने शैम्पू कर लिया, बाल बहुत गंदे से लग रहे थे, नहा चुकी हूँ, और लग रहा है यहाँ पे 2 दिन में खा के मोटी हो जाऊँगी। प्रीति कुछ करने तो दे नहीं रही है हमें, और सारा काम खुद ही कर रही है। ये लोग यहाँ पे खेलने में लगी हुई हैं, बच्चे गए हैं स्कूल। अब दिखाती हूँ प्रीति क्या कर रही है। प्रीति यहाँ पे नाश्ता बना रही है।
नाश्ता बना रही है और यहाँ साथ में ब्लॉग भी चल रहा है इनका, काम भी चल रहा है। तो कह रहे ऐसे ये इन्फ्लुएंसर की लाइफ होती है, देखो इधर एडिटिंग चल रही है, इधर ये नाश्ता बना रही है, फिर इतने सारे बर्तन भी धुलेगी, और हम कह रहे हैं कुछ करने को तो ये लग रहा है मोटा करके भेजेगी पक्का। मैं इसलिए सोच रही हूं दो दिन में 2 किलो वजन। आप घर में खुद ही करते हो, आप भी कितने दिन से काम कर रहे थे, हाँ, दो दिन रेस्ट करो फिर जाके लगिए। हाँ ठीक है, जब हम आएंगे तब तुमको मेरे घर रेस्ट करने आना पड़ेगा, ठीक है? तो तुम रेस्ट करना, याद रखना बिल्कुल मैं बराबर करती हूं, हाँ, पट्टी वाला काम मेरा वो रहता है। हाँ पट्टी पट्टी वाला करना है, फिर वहाँ पे तुम आराम करना। मैं आराम करूंगी, हम करेंगे तो मेरी दीदी के हाथ खाना फिर तुम। हाँ, हाँ, बिल्कुल तुम्हारे जितने टेस्टी बनाते हैं, चिंता नहीं करो। हो सकता ज्यादा बनाते हो सकता ज्यादा ही बनाते नहीं। पनीर की सब्जी वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी, मजा आ गया था। वो वाली वो दम आलू का तो खट्टा टेस्ट था, खट्टा था, लेकिन पनीर बहुत टेस्टी और पुलाव भी बहुत टेस्टी था। देखो गर्मा गर्म रोटियां फूल रही हैं, बन रही हैं, हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं। कौन है स्कूल से, कैसा रहा दिन? अच्छा। बहुत दिनों बाद गए थे ना? हाँ। सारे फ्रेंड आए थे आपके? एक नहीं आया। एक नहीं आया था? हाँ। अच्छा लगा आज जाकर के? हाँ। मजा आया? हाँ। अच्छा गेम पीरियड था क्या आज? नहीं, नहीं था आज। ओहो कोई बात नहीं है। भूख लग गई? नहीं, नहीं लगी अभी। चलो आ जाओ, नाश्ता वाश्ता हो चुका है, अब नाश्ता करके क्या फिर आराम करेंगे। हस्बैंड निकले हुए हैं, आप इधर से कोई सूचना नहीं है, फ्लैट मिला नहीं मिला, वो इकट्ठे कॉल करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। नाश्ता करके बस थोड़ा रेस्ट करेंगे, रेस्ट करते करते थोड़ा थक गए इसलिए फिर रेस्ट करेंगे। रोज आशी जा रही है नहाने, तो नहा लो बेटा, बच्चों नहा लो। और यहाँ पे ये टी वी देख रहे हैं, नाश्ता हो गया। मौसी से डिमांड की मैगी की, खाना बना रही है इनकी मौसी इन लोगों के लिए, फिर भी इन लोगों को खाना था मैगी, तो खा रही है मैगी और हम खा रहे हैं खीर, और इतना खिला रही है प्रीति, हमको सब समझ में आ रहा है। हाँ। तो क्यों हमको इतना खिला रही हो? हाँ, और इतना हमको खिला रही है ना, मिठाई और पनीर पुलाव वो रोटी और फिर खीर दिया है इसने, वो कह रही है खाना भी खाना है। हम रात में खा लेंगे, रात हाँ, में खिला। हाँ तो क्या हो गया, बासी अच्छा लगता है? अरे एकदम पेट भर गया है तो एकदम खिला खिला के थका दे रही है प्रीति हम लोगों को। वही देख लो हम खा रहे हैं खीर और खा खा के बैठ के बस खा रहे हैं, बाद में कहे कि आई थी बस बैठ खाने के लिए। और जिया जी आप लोग के गए हैं फ्लैट देखने, अभी तक तो कुछ सक्सेस नहीं मिली है, लेट्स सी। 3 बज चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उनको पसंद नहीं आ रहा है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, तो ढूंढ रहे हैं। और आज हो चुकी है 1 जुलाई, 1 जुलाई है, दिन है सोमवार, तो हस्बैंड लगे हुए हैं अपने फ्लैट्स ढूंढने में, और कल फिर मैं जाऊंगी देखने, अगर आज समझ में नहीं आया तो देखते हैं क्या होता है। तो जैसे आप लोग अपडेट दे देती हूँ इस चीज़ का। और बच्चे यहाँ पे खाने में लगे हुए हैं, भाई साहब भी आ गए स्कूल से, उनको बस लंच देने जा रही है प्रीति। और यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने एक भी रील शूट नहीं की है, सोचा था ये रील करेंगे वो रील करेंगे, बातें करने में ही कुछ रील शूट नहीं हो रही है, और काम इतना ज़्यादा है, सारा काम खुद कर रही है वो, तो इस चक्कर में भी नहीं हो रहा है। पकड़ लो, उड़ जाओगी, पकड़े रहना बेटा, बहुत तेज हवा चल रही है। उड़ी 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 उड़ी, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, यहाँ हवा बड़ी अच्छी आ रही है। तो यहाँ पे प्रीति लगा रही है मेरे पैर में आलता, उसने बोला कि दीदी आपको आलता लगा दूँ, और मुझे आलता बहुत ज़्यादा पसंद है, बस ये होता है कि वहाँ पे रहती हूँ तो पूजा पाठ में ही लगाती हूँ, उसने खुद लगाया हुआ था तो मुझसे कहा, मैंने तुरंत हाँ बोल दिया कि हाँ लगा दो। तो यहाँ पे प्रीति मेरे आलता लगा रही है। घूमने इलाहाबाद में, इलाहाबाद की पहली शॉपिंग, तो पहली बार प्रयागराज में निकल के कैसा लग रहा है आपको? तो जिया जी को घर पर छोड़ के आए हैं हम, पैदल पैदल घूमने, थोड़ा लोकल शॉप पे लेके आई है प्रीति हम लोग को, देखते हुए जा रहे हैं। तो ये हम लोग खिलाने लेके आई हैं, किसका पाली? पाल जी, पाल जी का पाली देगा, पाल जी क्या, पाल जी ना, पाल जी का फ्लेवर पानी के लिए। वैसा ये लोग ऐसा टूट पड़े ना कि हम लोग को फुल्की का ब्लॉग बनाना था, मतलब इतना बढ़िया मैंने ठेला तो नहीं कहेंगे, ठेला बेल्ट लगाया था फुल्की का, और ये लोग खा गए सब, बताओ
सब भूल गए, उधर आइसक्रीम पार्टी चल रही है, वो देखो आइसक्रीम पार्टी उसकी भी है। गया। और इधर ये फुल्की पार्टी हुई, मतलब इतना फुल्की लोगों को खिला दी है। कितने तरह का पानी था ये? तीन तरह का पानी, पांच तरह का पानी था, हम भी खा के आए हैं। पुदीना जो आपको दिखाया था हमने, पाल वाले का, पाल फुल्की कॉर्नर था ना। हाँ भाई, हम लोग खिला खिला के हमारा कमर तोड़ दे रही है। हाँ। खिला रही है, चल नहीं पा रहे खा खा के। अच्छा लगा, मजा आया? कुछ और वैरायटी चाहिए? कुछ और कुछ चाहिए? की एक्टिविटी थी हम लोग की, अभी फिलहाल फुल्की खाई और बना रही है चाय हम लोग के लिए, और पेट एकदम डमाडम है सबका, बहुत सबने खा लिया है आज। और फिलहाल की अपडेट है कि अभी आज फ्लैट नहीं मिल पाया है, जो भी था कहीं खाली नहीं था, कहीं अच्छा नहीं था, और बहुत दिन भर घूमे मेरे हस्बैंड, तो कल का दिन देखते हैं कुछ अच्छा लेके आता है क्या होता है। होपफुली मिल जाना चाहिए, लेकिन अभी नहीं मिला फिलहाल, क्योंकि हम लोग शियोकी के अगल बगल ही ढूंढ रहे हैं और अच्छा फ्लैट ढूंढ रहे हैं, जो कि थोड़ा सा अच्छा हो, अच्छे लोकेशन पर हो, बड़ा हो, और जहाँ पर प्राइवेसी और सिक्योरिटी सब कुछ हो। तो फिलहाल अभी सफल नहीं हुए हैं, लेट्स सी कल क्या होता है। कल नया व्लॉग लेकर के आऊँगी आप सभी के लिए, इस व्लॉग को मैं यही एंड करूँगी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और अपना खूब सारा प्यार दीजिएगा लाइक शेयर कमेंट के रूप में। तो बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट में कैसे लग रहा है मेरे डेली व्लॉग्स, अगर अच्छे लग रहे हैं तो मैं ऐसे लाती रहूँगी, और अगर कुछ नहीं अच्छा लग रहा है तो भी सजेस्ट करिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।